हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि संगीत में शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है, इसलिए मैं आज आप सभी के सामने सरस्वती वंदना ही शारदेमा लेकर आई हूँ। मैं इसको विद लिरिक बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बाद में पूरा फुल डिटेल में बजाऊंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने कृष्ण जन्माष्टमी पर बर्थडे सॉन्ग प्ले किया था, तो यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, आई बटन में भी आप उसको देख सकते हैं और वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सरस्वती वंदना सीखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बजाएंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी पहली लाइन बजाई। अब मैंने आपको दिखाया भी कि ये देखिए ये कैसे बजाएंगे। आइए बताती हूँ। आप इसकी लिरिक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं इसकी लिरिक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उससे बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। और कोमल धा का यूज़ किया है, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा साउंड आता है। तो अब मैं इसको एक बार और दिखाऊंगी। नी धा मा पा पा शारदा। अब ये देखिए, ये मेरी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं आगे की ओर। एक बार और देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो तीन स्टैंजा होते हैं, यदि आपने इसका एक स्टैंजा पूरा बजाना सीख लिया तो आपको इसके पूरे स्टैंजा बजाना आ जाएगा। बहुत इजी है। आप मैंने वही लाइन प्ले की जो हे शारदेमा में प्ले की थी। ये देखिए, अब वही हमको संसार
कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको पूरा हे शारदीमा बजाकर सुनाऊंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका एक स्टैंजा पूरे स्टैंजा में यही लिरिक चलेगी, तो आइए अब मैं आपको पूरा बजाकर सुनाती हूँ। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।